राजधानी रायपुर के महर्षि वाल्मीकि वार्ड 32 के प्राथमिक शाला में स्वास्थ्य शिविर, कांग्रेसी नेताओं ने उसका विरोध किया और शिविर को बंद कराया। इस मामले में थाना प्रभारी ममता शर्मा ने बताया कि कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी शिविर लगाकर आचार संहिता का उल्लंघन कर रही थी। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस बल और नगर निगम जोन अमला वहां पहुंचा और शिविर को रोका गया। पार्टी की तरफ से होता तो आचार संहिता का मायने है, ये तो अपने समिति वाले लोग ला के लगाए थे, कोई पार्टी से नहीं था ये, तो ये कांग्रेसी वाला लोग है पूरा अपना पार्टी का ही हम लोग का गलत नाम ले लिया है, बीजेपी से लगा है ये लगा करके, तो समिति वाले लोग तेलीबांध वाले समिति वाले लोग ला के लगाए थे। चेक कराने आई थी बेटा मैं, तो चेक तो हो गया लेकिन चश्मा नहीं दे मेरे को, झगड़ा। एक बार इसकी रिपोर्ट हम स्वास्थ्य विभाग से और अपने अमले से एक बार जोन से पूरी डिटेल्स निकलवा रहे हैं, और यदि इसमें कोई भी अगर अनियमितता पाई जाती है जांच में तो फिर संबंधितों पर कड़ी कार्रवाई। कंट्रोल रूम से सूचना मिली मुझे वरिष्ठ अधिकारियों से कि ये जो विजयनगर में प्राथमिक शाला है वहाँ पर किसी पार्टी की तरफ से कैंपेन चल रहा है, मैं और नगर निगम की टीम आई, यहाँ देखा गया कि किसी पार्टी विशेष का नहीं चल रहा है, कि जनहित के लिए एक हेल्थ प्रोग्राम जो पहले डिसाइड था वही चल रहा था, जिससे अब 50 रुपये का लग गया है, तो इसके तहत इनको बंद कराया गया है।